Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to English class. In our today's English class, we are going to study chapter 7 of your literature. Okay? Chapter 7, Merits of Compassion. First, let us understand this title. Merits means advantages, benefits. फायदा किस चीज का? कंपैशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन? इट मींस सिंपैथी, राइट? इट मींस सिंपैथी. यस, इन द पोएम आल्सो वी लर्नड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपैथी. तो कंपैशन इज द सिनोनिम ऑफ सिंपैथी. इट मींस टू फील अदर्स पेन एंड टू हेल्प समवन और टू यू नो सपोर्ट समवन, से सम काइंड वर्ड्स टू समवन. सो दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन कंपैशन. कंपैशन में आप किसी को सपोर्ट करो, किसी का साथ दो, किसी की हेल्प करो, बिकॉज यू आर फीलिंग सिंपैथी, बिकॉज यू आर फीलिंग कंपैशन. ओके, तो इस चैप्टर में भी एक स्टोरी है, जिस स्टोरी का जो हमको मॉरल मिलता है, उस मॉरल में ये है कि क्या क्या मेरिट्स होते हैं कंपैशन के. ठीक है, इस स्टोरी में एक ट्री की स्टोरी है. ट्री पे बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक, सारे काफी सारे क्रीचर्स है वो रहते हैं और ट्री बहुत बड़ा है. ट्री उनको शेल्टर, फूड और सब प्रोवाइड करता है. पर एक दिन ट्री की पोजीशन बहुत खराब हो जाती है. ट्री के उसमें एक सिचुएशन आ जाती है, ट्री जिसमें प्रॉब्लम में आ जाता है कि उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है और ये पॉइजन इतना डेडली है कि अगर जो भी इस रहेगा वो भी मर जाएगा. सो एवरीवन स्टार्ट्स लीविंग दिस ट्री. सब ट्री को छोड़ देते हैं, पर एक पैरोट है, वो पैरोट ट्री के साथ ही रहता है. वो बोलता है ट्री है, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है. थ्रूआउट माय लाइफ ट्री हैज हेल्प्ड मी, प्रोटेक्टेड मी एंड गिव मी शेल्टर. ट्री इज जस्ट लाइक माय पेरेंट्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस ट्री. आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस. मैं हर कॉन्सिक्वेंसेस, हर नतीजा फेस करने के लिए तैयार हूँ और मैं ट्री के साथ ही रहूंगा. इस बीच में भगवान खुद अलग रूप लेकर आते हैं. गॉड भी रूप लेकर आते हैं और इसकी टेस्ट लेते हैं, पैरोट की टेस्ट लेते हैं. पर पैरोट है अपने जो उसका जो मन है वो चेंज नहीं होता. ही इज स्टिल विथ द ट्री. ओके, तो एंड में क्या होता है, गॉड है बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि इतनी किसी के एक एनिमल, एक बर्ड के मन में इतना कंपैशन, ओके, इतना इतनी अच्छी भावना है और वो इतना अच्छा रह सकता है. ओके, सो ही इज वेरी हैप्पी, गॉड इज वेरी हैप्पी. सो गॉड गिव्स हिम अ बून, गॉड है उनको वरदान देता है. ठीक है, और ट्री को वापिस नॉर्मल कर देता है और पैरेंट को वो हम बोल सकते हैं इटर्निटी देता है, यानी मोक्ष मिल जाता है. ओके, सो लेट अस रीड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम योर बुक. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, इन विच वी गॉट द मॉरल दैट मेरिट्स of compassion are really fruitful. Okay, in the first paragraph, in a forest near Kasi, okay, Kasi is a place, okay, nearby there is a forest. In a forest near Kasi, there lived a giant tree. Okay, there lived a giant tree. Giant means very big. Okay, very big, huge. ओके, एनॉर्मस. जायंट मतलब बहुत बड़ा. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. इन अ फॉरेस्ट नियर काशी देयर लिव्ड अ जायंट ट्री. इट टावर्ड ओवर ऑल द अदर ट्रीज. ओके, इट वॉज सच अ बिग ट्री दैट इट वर्कड एज अ टावर. ओके, इट इज एज लॉन्ग एज टॉल एज अ टावर. ओके, इन द फॉरेस्ट इट्स ब्रांचेस
spread wide, dwarfing vegetation for miles around. Okay, the branches of this huge tree is very very long, very wide. Okay, it has spread for many miles. Okay, till many miles. So जो पेड़ है वो बहुत बड़ा पेड़ है. ओके, उसकी जो टहनी है, उसकी जो शाखा है, ओके, उसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ही मोटी और लंबी, ओके, वाइड है, जिसके वजह से काफ़ी जगह पर वेजिटेशन है, क्योंकि छाँव उसकी वजह से मिलती है, इसीलिए हरियाली लगी हुई है पूरे फॉरेस्ट में. ओके, बिकॉज ऑफ द शेड ऑफ दिस एनॉर्मस ट्री, ऑफ दिस ह्यूज ट्री, द लोअर प्लांट्स और द लोअर बुशेज आर ग्रीन. ओके, दिस ग्लोरियस ट्री गेव शेल्टर टू मैनी क्रिएचर्स. दिस ह्यूज हैपनिंग ट्री, ओके, गेव शेल्टर, गेव द प्लेस टू रेस्ट टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट मंकी इज देयर, स्क्विरल इज देयर, बर्ड्स आर देयर, स्नेक इज देयर, ओके, पैरट्स आर देयर. सो यू कैन सी दैट दिस ट्री इज अ शेल्टर फॉर मैनी क्रिएचर्स. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ दिस जायंट ट्री एंड पीपल. पीपल, the animals and the birds living on this tree. Monkeys swung from its branches, chattering with delight as they ate succulent fruit. Monkeys are also staying in this tree, right? Monkeys are swinging. Okay, monkeys bhi jhula jhul rahe hain, plants mein climb kar rahe hain. ओके, एंड चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स टू टॉक. ओके, दे आर मेकिंग नॉइज एंड टॉकिंग अमोंग देमसेल्व्स एंड दे आर वेरी डिलाइटेड, दे आर वेरी हैप्पी. ओके, मंकीज आर ऑल्सो वेरी हैप्पी स्टेइंग ऑन दिस ट्री. दे आर ईटिंग सक्यूलेंट फ्रूट, मीन्स जूसी फ्रूट. दिस ट्री इज गिविंग अ वेरी स्वीट एंड जूसी फ्रूट which the monkeys are eating and they are climbing and swinging on this tree and they are enjoying, right? Monkeys swung from its branches, chattering with delight as they ate succulent, juicy fruit. Birds of every description painted the green foliage with their myriad colors as they flutter around and make nest. Birds of every description, birds of all types, okay, different colors used to sit on this tree, on the branches of this tree. So it was like that it is painted, okay, some number, more number of colors are there in this green foliage. Matlab green background, greenery mein इतने सारे बर्ड्स आए हैं अलग अलग कलर्स के, उधर है ट्री पे, कि इट लुक्स लाइक ग्रीन पे किसी ने अलग अलग काउंटलेस कलर्स के ड्रॉप्स कर दिए. ओके, बर्ड्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन पेंटेड द ग्रीन फॉलीएज विथ देयर काउंटलेस, माइरिड मीन्स काउंटलेस कलर्स एज दे फ्लटर्ड मीन्स फ्लाइड. ओके, फ्लाइड राउंड द ट्री. And made their nest in the branches. The tree was so big that there were many branches and many animals, birds lived there. Okay, squirrels scampered with excitement. Squirrels scampered with excitement. Scampered means to run around. Okay, scampered yani daur lagana, khelna. Okay, so squirrels hoti hai, jisko hum Hindi mein खिसकौली बोलते हैं. ओके, तो गिलहरी जो खिसकौली होती है वो भी
मज़े कर रही है ट्री पे, राइट, शेल्टरिंग इन द होल्स ऑफ इट्स ट्रंक. स्क्विरल ट्री में होल बना के रहती है तो वो वहाँ पर रह रही है, शेल्टरिंग इन द होल्स ऑफ इट्स ट्रंक. इवन एज लिजार्ड्स एंड स्नेक्स क्राउल्ड बीनीथ द ट्री, ट्री के जो नीचे पार्ट होता है यहाँ होता है राइट, यहाँ पर, सो यहाँ पर भी लिजार्ड वगैरह घूमती होती है. ओके, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स, यू कैन सी द स्नेक, क्राउल्ड यानी मूव्ड, ओके, मूव्ड बीनीथ द ट्री, बिलो द ट्री, एंड इन टू द बरोज अराउंड द रूट्स सीकिंग शेड फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग सन. ओके, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स कांट बेयर एक्सट्रीम हीट, ओके, वेन देर इज एक्सेसिव हीट, मोर हीट, सो दे ऑल आर टेकिंग रेस्ट, ओके, एन्जॉइंग द शेड ऑफ दिस ट्री. ओके, बीज एंड एंट्स मेड देयर होम्स इन दिस ट्री, इवन द बीज, ओके, जो हनी बी होता है वो हनी बी, बीज एंड एंट्स ऑल्सो मेड देयर होम इन दिस ट्री. Busy in their toil and confident of their tomorrow. They are busy in their work, daily work, okay, to collect the food. And confident of their tomorrow. They know that this place is safe. And if we will store food here, we will stay peacefully. So they are toiled and confident about their future. Poisoned arrow. One day a hunter is chasing his prey, okay, एक जो शिकारी है वो अपने शिकार के पीछे पीछे पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है. One day a hunter while chasing his prey sent a poisoned arrow, okay, sent a poisoned arrow deep into the trunk. जो हंटर है उन्होंने अपना बाण चलाया, अपना एरो चलाया, और जो एरो है, ओके, वो इस बड़े से ट्री के ट्रंक पे यानी यहाँ पर लग जाता है. ओके, सो द ट्री इज हर्ट, राइट, एज द पॉइजन स्प्रेड थ्रू द ट्री, ट्री पे पॉइजन स्प्रेड हो जाता है, जैसे अपनी बॉडी में कैसे स्प्रेड हो जाता है वैसे ही यहाँ पर इस स्टोरी में ऐसा बताया है कि ट्री में भी पॉइजन पूरे ट्री में स्प्रेड हो जाता है. उसके वजह से क्या होता है, द लीव्स बिगेन टू फॉल, उनके पूरे लीव्स और ब्रांचेस जो है वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं. ब्रांचेस बिगेन टू शडर इन एगोनी, ब्रांचेस ऑल्सो became weak and they were also going to fall because of the pain and because of the poison. The snakes that were full of poison themselves were quick to recognize the fate of the tree. जो snakes वहाँ रहते थे तो snakes तो poisonous ही होते हैं, right? So snakes that were full of poison themselves were quick to recognize the fate of the tree. स्नेक्स को पता चल गया कि अभी ट्री का क्या हाल होने वाला है, ट्री अभी नहीं बचेगा. ओके, सो ऑल वर फ्राइटन्ड, ऑल वर स्कैर्ड, दे वर द फर्स्ट टू लीव, ओके, उनको पहले पता चल गया सो वो वहाँ से चले गए. क्लोज बिहाइंड देम वर द मंकीज, उसके बाद मंकीज को पता चला, वो भी वहाँ से चले गए. सम ऑफ होम फॉलोड द हंटर foolishly and tried to befriend him. कोई कोई monkeys जो है उन्होंने hunter का पीछा किया और फिर पीछा करके उसे बुरा करने की, उसके साथ बुरा करने की कोशिश की, उसको बुरा बताने की कोशिश की. Birds abandoned their nest. Birds ने भी अपना nest छोड़ दिया. Okay, the birds left their nest and took shelter in neighboring trees. उसके बाजू बाजू में जो trees थे वहाँ पर उन्होंने भी अपना shelter, अपना nest बना लिया. Insect fell over themselves in their hurry to escape the fate of the protector. Insects while
going down in a speed. Okay, while walking in a speed, they also fell down. So all the animals left, all the creatures left this tree. The parrot. Even as the tree withered, shedding leaves and fruits, a parrot named Suka did not leave his nest. Even the tree has withered, shedded the leaves, the poison has spread, and the fruits also have shedded. A parrot named Suka did not leave his tree. Okay, we saw that all other creatures have left the tree, but there was a parrot named Suka who did not leave his nest. Okay, Suka hai parrot ka naam Suka hai. Us parrot ne abhi bhi tree ko nahi choda hai. Tree mein se sare leaves gir gaye hain, fruits gir gaye hain, branches bhi weak ho gayi hai, koi branches gir bhi gayi hai. Itni buri condition hai tree ki. Tree pura poisonous ho raha hai, fir bhi parrot ne tree nahi choda hai. He refused to live out of affection for the tree. क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि ट्री के लिए उसे इतना अफेक्शन है, इतनी फीलिंग्स है उसको ट्री के लिए. ओके, ट्री के साथ उसका उतना कनेक्शन है, इसीलिए उसने ट्री नहीं छोड़ा है. आई हैविंग लिव्ड इन द ट्री हॉलो ऑल हिज लाइफ. क्यों इतना अफेक्शन है? क्योंकि सुका पूरी लाइफ यहाँ पर रहा है. इस ट्री ने पूरी लाइफ सूखा को रखा है, संभाला है, राइट. द पैरट रिफ्यूज्ड टू जॉइन द एक्सॉर्ट्स एंड सफर. काफ़ी लोगों ने उसको बोला कि हम लोग जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ. ओके, एक्सॉर्ट्स मीन्स सब जा रहे होते हैं ना, ग्रुप में जा रहे हैं. तो उसने उनको जॉइन नहीं किया. एंड सफर्ड, उसके बाद उसको सफ़र करना पड़ा, उसको उसकी भी हालत ख़राब होने वाली थी. डिस्पाइट बींग एडवाइज्ड, सब ने उसको सलाह दी कि तुम भी आप भी छोड़ दो. डिस्पाइट एडवाइस टू लीव बाय द अदर्स, ही डिड नॉट लीव. वो उसने ट्री को नहीं छोड़ा, राइट. नेक्स्ट स्टेंजा, कर्स्ड बाय हिज कंपेनियंस. व्हेन दोज हु हैड फ्लाइट फाउंड द पैरट अनविलिंग टू लीव द पॉइजन ट्री, जो चले गए थे, जो बर्ड्स चले गए थे, उन लोगों को जब पता चला कि पैरट अभी तक नहीं उसने ट्री को छोड़ा है, तो उन लोगों ने उसे कर्स करना चालू कर दिया, उसे बुरा भला उसके बारे में बोलना चालू कर दिया. दे स्कोल्डेड एंड कर्स्ड देयर फॉर्मर कंपेनियन. ओके, पहले जो बर्ड्स का कंपेनियन था, पैरट उनका फ्रेंड था, वो जब नहीं मानता है, नहीं छोड़ता है, इसीलिए उसे बुरा भला कहना, उसे डांट लगाना, ये सब शुरू कर दिया. सम कॉल्ड हिम ब्लाइंड एंड फुलिश. सब ने क्या बोला कि ये तो पागल है, अंधा है, बेवकूफ़ है. ओके, अदर सेड ही वॉज अ फैनेटिक एंड स्ट्राइकन बाय मैड. किसी ने बोला कि ये बुद्धू है, ये अंधा है, ये समझ नहीं रहा है. किसी ने ऐसा बोला ये अपनी मैडनेस के वजह से नहीं निकल रहा है. ओके, ही हैज गॉन मैड. सम इवन सेड दैट द पैरट वांटेड टू प्ले अ मार्टियर. किसी ने ऐसा भी बोला कि पैरट को मरना ही है, उसको शहीद होना है. ओके, मोशनलेस एंड विदाउट फूड. एक तो मोशनलेस, हिला नहीं वहाँ से, वहीं पर रहा, और विदाउट फूड, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह था वो तो गिर चुका है, पॉइजनस था वो भी, इसीलिए विदाउट फूड. द पैरट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉलमनी ऑफ हिज फॉर्मर. द पैरट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्यूसेशंस. एक्यूसेशंस मीन्स कॉलमनी. कॉलमनी यानी किसी के दोष लगाना या किसी पे कुछ बोलना, उस पे उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया. हंग्री एंड सोरोफुल. हंग्री एंड सैड द लॉयल एंड कंपैशनेट बर्ड. हंगर, हंग्री तो था ही, उसके अलावा
कंपैशनेट भी था, दयावान भी था. ओके, द लॉयल एंड द कंपैशनेट बर्ड सफर्ड विद द ट्री. वो भी ट्री के साथ उसने भी सफ़र किया. द पैरट एक्सेप्टेड द फेट ऑफ द ट्री एज हिज ओन एंड शेयर्ड द एगोनिशिंग प्रेडिकामेंट ऑफ द ट्री. द पैरट एक्सेप्टेड द फेट. पैरट ने बोला जैसा ट्री का नसीब है, ट्री के साथ साथ मेरा भी वही नसीब है. ओके, सो पैरट एक्सेप्टेड द फेट ऑफ द ट्री एज हिज ओन एंड शेयर्ड द एगोनिशिंग यानी सैडनिंग. ओके, सैडनेस वाला. द एगोनिशिंग प्रेडिकामेंट यानी जो खराब सिचुएशन है, प्रेडिकामेंट यानी खराब सिचुएशन, बैड सिचुएशन. ओके, गॉड टेक्स नोटिस. द कंडक्ट ऑफ द पैरोट अमेज्ड द गॉड. द एक्ट ऑफ द पैरोट सरप्राइज्ड गॉड. हाउ कुड अ मियोर बर्ड, हाउ कुड अ मियोर बर्ड यानी एक मामूली सा बर्ड है, उसमें इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हैं. हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैशन एंड लॉयल्टी दैट आर लैकिंग इन मोस्ट ह्यूमंस. ह्यूमन बींग में भी इतनी कंपैशन और इतनी लॉयल्टी नहीं है, इतनी वफादारी, इतनी फीलिंग्स नहीं है, इतनी दया नहीं है जितनी ये मामूली से बर्ड में है. तो भगवान भी एकदम शॉक्ड और सरप्राइज्ड है. एज्यूमिंग द गाइज ऑफ प्रीस्ट, इसीलिए भगवान क्या करते हैं, एक सेंट का लुक ले लेते हैं. ओके, अ सेंट के लुक में वो यहाँ पर आते हैं. सेंट यानी फादर, चर्च में जो फादर होता है, क्रिश्चियंस का जो सेंट होता है, फादर चर्च में होता है, वो प्रीस्ट जिसको बोलते हैं प्रीस्ट, तो वो प्रीस्ट बन के यहाँ पर आ जाते हैं. गॉड अपियर्ड बिफोर दिस रिवर्ल्ड ट्री. ये जो ट्री पॉइसनस ट्री है, जो पूरा जिसकी लीव्स गिर चुकी है, जो बहुत खराब कंडीशन में है, ट्री के सामने गॉड प्रीस्ट बन के आते हैं. गॉड एडवाइज्ड सूका. गॉड प्रीस्ट बन के आ गए हैं और अभी सूका को क्या एडवाइस दे रहे हैं. एड्रेसिंग द बर्ड, बर्ड को बोल रहे हैं. ही सेड यानी गॉड सेड, ओ सूका बेस्ट ऑफ बर्ड्स, ओ सूका यू आर सो बेस्ट अमंग ऑल द बर्ड्स, व्हाई डू यू नॉट लीव, आप यहाँ से क्यों चले नहीं जाते. देर आर मैनी एक्सेलेंट ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट कवर्ड विथ लीव्स एंड हैविली लेडन विथ फ्रूट्स. ओ बेस्ट बर्ड सूका, व्हाई डोंट यू लीव एंड गो समवेयर एल्स. यहाँ पर इस फॉरेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज है जिसमें बहुत ही लीव्स भी अच्छे से है और फ्रूट्स भी है. ओके, तो आप यहाँ पर क्यों हो. ओ पेशेंट वन एक्सरसाइजिंग विस्टम, आप फ्रीडम है आपके पास. ओके, आप प्रैक्टिकली सोचो और यहाँ से आप चले जाओ. ओ पेशेंट वन एक्सरसाइजिंग विस्टम लीव दिस अनक्वालिफाइड ट्री दैट इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड. नाउ दिस ट्री इज नॉट यूजफुल. ओके, दिस ट्री इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग गुड, सो डोंट स्टे हियर, यू गो फ्रॉम हियर. सूकास रिप्लाई. आफ्टर गॉड इज एडवाइजिंग हिम टू गो, वॉट डज सूका रिप्लाई. द वर्चुअस सूका हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट, After hearing all what the god is saying, okay, all what the priest is saying, the suka is very good, right? He is very true. So he takes a deep sigh, takes breath and replies, here I took birth, here in this tree. Yahan isi tree pe mera janam hua hai, isi tree pe main raha hu. I gained all the good traits of my character. Isi tree mein मुझे सब कुछ दिया है, मुझे सब कुछ सिखाया है, मेरा अच्छा कैरेक्टर बनाया है. एंड हियर आई टुक शेल्टर फ्रॉम द ऑसल्ट्स ऑफ एनिमी. एनिमी से बचने के लिए भी यहाँ पर ही मैंने रेस्ट किया है, यहाँ पर ही मैंने शेल्टर लिया है, घर बनाया है. शुड आई नाउ एबंडन द वन, क्या मैं अभी उसको छोड़ दूँ.
who has always been my shelter, उसे मैं छोड़ दूँ जिसने हमेशा मेरी मदद की है, जो हमेशा मेरा घर रहा है. एंड द वेदास देमसेल्फ प्रोनाउंस, वेदास में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव. ओके, वेदास में भी लिखा है कि मात्र देवो भव यानी मदर इज गॉड, पितृ इज पितृ भव, फादर इज गॉड एंड टीचर इज ऑल्सो गॉड. ओके, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि आप अपनी माताजी, अपने पिताजी और अपने गुरुजी की इज्जत करें. ओके, उन्हें सम्मान दें. सो हॉनर योर मदर फादर एंड गुरु एज गॉड. कैसी रिस्पेक्ट देनी है उसे? गॉड की. दिस ट्री हैज़ बीन ऑल ऑफ दिस, ये ट्री मेरे लिए सब कुछ है, मदर भी है, फादर भी है और गुरु भी है. ओके, टीचर भी है. सो हाउ कैन आई लीव दिस ट्री इन द बैड टाइम? ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, लॉयल्टी एंड कंपैशन. I have no claim on virtue, but I know that I will always be loyal. I will always be loyal to those who have offered me sanctuary. वो बोलते हैं, I don't have any claim on good character, but I know that I will always be loyal to those who have offered me सेंचुरी. जो जिसने मुझे घर दिया, मुझे सब सिखाया, ओके, वो हमेशा हमेशा मेरे मुझे उसका साथ देना है, उसके लिए मुझे लॉयल रहना है. ओके, सो सेंचुरी मीन्स अ प्लेस टू स्टे सेफली. ओके, एन अनग्रेटफुल चाइल्ड हर्ट्स द पेरेंट्स मोर देन अ स्कॉर्पियंस स्टिंग. ओके, अनग्रेटफुल चाइल्ड, सबसे ज़्यादा दुख पेरेंट्स को अपना चाइल्ड जब अनग्रेटफुल बन जाता है ना, तब होता है. यानी अनग्रेटफुल यानी जिन्हें अपने पेरेंट्स के इतने की वैल्यू नहीं है, तो अनग्रेटफुल यानी जिसे कोई भी थैंकफुलनेस नहीं है पेरेंट्स के लिए. ओके, सो विच इज़ नॉट इवन थैंकफुल. सो तब सबसे ज़्यादा कोई पेरेंट को तब हर्ट होता है जब आप अनग्रेटफुल बनते हो. ओके, जब आप थैंकफुल नहीं रहते हो. ओके, सो एन अनग्रेटफुल चाइल्ड हर्ट्स द पेरेंट्स मोर देन अ स्कॉर्पियंस स्टिंग. जब एक बिच्छू डंक मारता है ना, उससे भी ज़्यादा दुख पेरेंट्स को, उससे भी ज़्यादा हर्ट पेरेंट्स को तब होता है जब उनका बच्चा अनग्रेटफुल होता है और अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं करता, सेल्फिश बन जाता है. इनडीड देर इज़ नो ग्रेटर सिन, देर इज़ नो ग्रेटर सिन यानी कोई भी वो बड़ा गुना नहीं है इस दुनिया में अगर आप अपने पेरेंट्स या टीचर के खिलाफ करो या जाओ, उससे बड़ा गुना कोई है नहीं. सो देर इज़ नो ग्रेटर सिन इन द थ्री वर्ल्ड्स देन टू बी अ गुरुद्रोही. ठीक है, अगर आप अपने टीचर के दुश्मन बन जाते हो, एनिमी ऑफ योर टीचर, सो वो सबसे बड़ा गुनाह है. सो ये ट्री जो है मेरे लिए, मेरा टीचर है, मेरा गुरु है. सो मैं कभी उसको छोड़ के, एनिमी की तरह मैं उसे छोड़ नहीं सकता. ओके, अ मैन ऑफ कैरेक्टर विल नेवर लीव एंड फॉरसेक दोस हु हैव स्टूड बाय हिम व्हेन ही वाज वीक एंड डेस्टिट्यूट. अ मैन, अ ट्रू मैन will never leave the one who has always taken care. ओके, ये ट्री ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, तो तब भी ध्यान रखा है जब मैं वीक था. ठीक है, सो अ मैन ऑफ कैरेक्टर विल नेवर लीव फॉर सेक दोस हु हैव स्टूड बाय हिम व्हेन ही वॉज वीक एंड डेस्टिट्यूट. जब खुद हम वीक होते हैं, ठीक है, डेस्टिट्यूट मीन्स वेरी पुअर एंड वीक. सो जब हमारी अच्छी कंडीशन नहीं होती है, तब जिसने हमारा साथ दिया, वो जो ट्री है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता.
If you cannot see God in the heart of one who has served you your shelter, you cannot see him anywhere else. अगर जिन्होंने आपकी मदद की है, सिखाया है आपको और आपको घर दिया है, उसकी आप अगर उसमें आप भगवान नहीं देख सकते हो तो आप कहीं और भगवान नहीं देख सकते हो. यानी ट्री है, उसे मैं एज अ गॉड मानता हूँ, ओके, क्योंकि उसने हमेशा मेरे फादर, मदर और गुरु का रोल निभाया है. सो मैं उसे भगवान मानता हूँ. वेद में भी लिखा है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की हमें इज्जत करनी चाहिए, दोनों को हमें उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम भगवान को देते हैं, राइट. इफ़ यू कैन नॉट सी गॉड हु हैज सर्व्ड यू एज योर शेल्टर, यू कैन नॉट सी हिम एनीवेयर एल्स. ऑल सेजेस प्रोनाउंस दैट विदाउट द क्वालिटीज ऑफ कंपैशन एंड लॉयल्टी ऑल अदर वर्च्यूज हैव नो वैल्यू. सारे संतों ने, महर्षियों ने भी कहा है कि अगर आपको दया और वफादारी नहीं है तो आपके अंदर दूसरी कितनी भी क्वालिटीज़ होगी, वो क्वालिटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. जस्ट एज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोज हैव नो वैल्यूज विदाउट द फिगर बिफोर हिम. अगर हम 0 0 10 टाइम्स भी लिखेंगे, 10 जीरोज लिखेंगे, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके आगे 1 2 3 या कोई भी डिजिट नहीं लगाते. सो वैसा ही है कि कितनी भी वैल्यूज हो, अगर ये दो वैल्यू अपने अंदर नहीं है, कंपैशन और लॉयल्टी, ओके, ऑनेस्टी, तो हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू होगी ना, वो भी उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ओके. दूसरी हमारे में अच्छी क्वालिटी होगी ना, उसकी भी वैल्यू नहीं है. एनी क्लेम ऑफ बीइंग अ डिवोटी ऑफ गॉड इज फॉल्स इफ यू कैन नॉट शो डिवोशन टूवर्ड्स द फॉर्मर प्रोटेक्टर हु हैज नाउ फॉलन ऑन डिफिकल्ट टाइम्स. आप कितने भी बड़े भक्त हो, ओके, कितने भी बड़े डिवोटी हो, भगवान में विश्वास रखने वाले हो, पर वो सब झूठ है, वो सब गलत है. अगर आप जिन्होंने आपको आपका ध्यान रखा है, जिन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है, उनके खराब समय में अगर आप उनके साथ नहीं रह सकते हो तो आप कितने भी बड़े भक्त हो, वो गलत है, ओके. बून फॉर सूका, सूका के लिए वरदान. प्लीज्ड बाय सूकास एक्सप्लेनेशन, ओके, भगवान ने उनके लॉयल्टी, उनके जो ऑनेस्टी है, कंपैशन है, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते, बहुत खुश हो जाते हैं, ओके. सो गॉड इज़ वेरी हैप्पी विथ सूकास एक्सप्लेनेशन. गॉड रिवील्ड हिज आइडेंटिटी. गॉड जो है वो प्रीस्ट बन के आए थे, अभी गॉड अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाते हैं, ओके, अपने रूप में आ जाते हैं, ओके. सो रिवील्ड द आइडेंटिटी टी एंड ऑफर्ड द वर्चुअस पैरट अ बून. इतने अच्छे पैरट को, इतने संस्कारी पैरट को वो एक वरदान देते हैं. विथ टीयर्स इन हिज आईज एंड सोरोफुल पैरट, With the tears in his eyes, the sorrowful parrot begged. Parrot क्या मांगते हैं? Please save the tree. आप please tree को बचा लो, okay? God sprinkled the tree with the divine nectar. God क्या करते हैं? उसकी बात, उसकी, उसको वरदान देते हैं और God जो divine जो heavenly nectar होता है, जिसे हम बोलते हैं शहद, ओके, शहद के छींटे वो ट्री के ऊपर डालते हैं, ओके. सो गॉड ट्री को वापस नई लाइफ दे देते हैं, वापस जीवन दान दे देते हैं. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ग्रू हैवी. अगेन जो ब्रांचेस थे वो एकदम हैवी हो जाते हैं, ब्रांचेस पे लीव्स आ जाती है, फ्लावर्स भी आ जाते हैं और फ्रूट्स भी आ जाते हैं. यानी ट्री वापस हरा भरा हो जाता है, ट्री में फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स सब कुछ आ जाते हैं. इट रीगेन इट्स ग्रैंडियर थ्रू द पेनेंस ऑफ द पैरट, ओके. ट्री है वो रीगेन करता है, रीगेन क्या, ग्रैंडियर मींस अ वेरी जूसी फ्लावर एंड फ्रूट्स,
okay, very good looking flowers and fruits. It regained its grandeur, the beauty, through the penance of the parrot. ठीक है, सुका fulfilled his debt to the tree. सुका ने अपना ऋण उतार दिया. ओके, सुका ने भी ट्री को लाइफ वापिस ले वापिस करवा दी. एंड एट द एंड ऑफ हिस लाइफ वॉन द इटर्नल कंपेनियनशिप ऑफ गॉड थ्रू हिस एक्ट ऑफ कंपैशन एंड सेक्रीफाइस. सुका फुलफिल्ड हिस ड्यूटीज, फुलफिल्ड हिस डेप्ट, ओके, टू द ट्री. जो ट्री ने उसके लिए किया था उसके बदले में सुका ने भी उसके लिए बहुत कुछ कर दिया. एंड एट द एंड ऑफ हिस लाइफ, जब सुका की जिंदगी ख़त्म हो गई, ओके, लाइफ ख़त्म हो गई, सुका भगवान का कंपेनियन बन गया, भगवान के अंदर ही समा गया, यानी हम बोलते हैं ना मोक्ष मिलना, ओके, तो सुका को मोक्ष मिल गया. कंपेनियन ऑफ गॉड थ्रू हिज एक्ट ऑफ कंपेनियन एंड सेक्रीफाइस. तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कंपैशन के कितने बेनिफिट्स है, राइट? कंपैशन के क्या बेनिफिट्स है कि भगवान भी आपको खुद दर्शन देते हैं, भगवान आपको वरदान देते हैं, आप किसी की लाइफ बचा सकते हो, राइट? और आप खुद एकदम इटर्नल कंपेनियन बन सकते हो, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है. ओके, सो चिल्ड्रन, एनीथिंग गुड विल कम बैक टू यू. ओके, आप जो अच्छा करते हो, जो किसी की भलाई करते हो, वो आपके पास अभी नहीं तो फिर कभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. ओके,